किसी को चिंता है? आठ आठ नौ नौ बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच रहे हैं कैसा बिहार बनाना चाहते, वैसा ही बिहार बनाना चाहते। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होना है, जहां 71 सीटों पर 1064 प्रत्याशी अपने अपने दांव आजमा रहे हैं, जिनमें मौजूदा राज्य सरकार के 8 मंत्री सहित अनंत सिंह जैसे बड़े बड़े चेहरे की राजनीतिक भविष्य बिहार की जनता के हाथों में है। इसी के मद्देनजर देश के राजनेताओं का लेखा जोखा रखने वाला ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लड़ने वाले 1064 प्रत्याशियों की जानकारी इकट्ठा की है, जिन्हें बताया गया कि कुल प्रत्याशियों में लगभग 31% यानी 328 उम्मीदवार किसी न किसी आपराधिक मामले में शामिल हैं। यानी इन सभी 328 प्रत्याशी पर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है। रिपोर्ट के मुताबिक 244 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जहां 3 उम्मीदवार पर बलात्कार के मामले, 26 प्रत्याशियों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किए जाने के आरोप, वहीं 83 प्रत्याशियों पर हत्या करवाने या फिर मर्डर के मामले दर्ज हैं। एक अजीब विडंबना है कि जिस युवा चेहरे के मद्देनजर तेजस्वी यादव राजद की नई पहचान गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपराधियों को टिकट देने में सबसे आगे उनकी पार्टी ही खड़ी है। राजद के बाद भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की बारी आती है। आपराधिक मामलों के बाद इन सभी 1064 प्रत्याशी की शैक्षिक गुणवत्ता यानी ये सभी कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी बात करें तो पहले चरण में होने वाले चुनाव में डॉक्टरेट डिग्री से लेकर निरक्षर यानी अनपढ़ प्रत्याशियों तक जंगे चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 1064 प्रत्याशियों में 37 के पास डॉक्टरेट डिग्री है, 155 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 79 ग्रेजुएट हैं, 213 उम्मीदवार 12वीं पास हैं, जबकि 170 मैट्रिक पास हैं, 74 ऐसे हैं जो साक्षर हैं, वहीं 5 अंगूठा छाप। लेकिन सीमित शिक्षा के बावजूद भी ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो पढ़े लिखे प्रत्याशियों को कड़ी मुकाबला देने जा रहे हैं। अगर इन उम्मीदवारों की आर्थिक हालत यानी धन संपत्ति की बात करें तो कई करोड़पति प्रत्याशी इस चुनाव में प्रजा के सामने वोट के लिए झोली फैलाए खड़े हैं। उदाहरण के तौर पर 1064 उम्मीदवार में 375 प्रत्याशी करोड़पति हैं, इनमें सबसे ज्यादा 41 में से 39 राजद के हैं, और पैसे के मामले में सबसे ज्यादा अमीर बिहार के मशहूर नेता अनंत सिंह हैं, जिनके पास 68 करोड़ से अधिक संपत्ति है। 28 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में जिन बड़े राजनेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी, जिनके खिलाफ राजद से ताल्लुक रखने वाले और पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर मोकामा विधानसभा चुनाव पर खास नजर बनी हुई है, जहां से राजद की सीट पर अनंत सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस के लिए।